गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है सभी के? देखिए डॉट पेन रजिस्टर निकाल के जल्दी से जल्दी बैठ तो जाएं। वैसे भी मतलब ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जनसंख्या या समष्टि अंतर क्रिया। प्रत्येक स्टेट में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में अवश्य पूछा जाता है, साथ ही साथ मेडिकल एग्जाम में भी कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। इस वजह से बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन यानी जनसंख्या समष्टि अंतर क्रियाएं क्या होती हैं? इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न इकोसिस्टम के ऑर्गेनिम के बीच जो संबंध होता है उसी को पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कहा जाता है। ये लो मैंने लिख दिया। विभिन्न इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म के मध्य के संबंध को पॉपुलेशन इंट्रैक्शन यानी जनसंख्या अंतर क्रिया क्या? जनसंख्या मुख्य रूप से क्या कहते? जनसंख्या अंतर क्रियाओं कहा जाता है। भैया अभी आपसे मैंने मतलब यही शब्द कहा था कि ऑर्गेनिज्म के मध्य के संबंध को, ऐसा नहीं है कि उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध है। संबंध से मतलब है कि प्रत्येक जीव जो इकोसिस्टम में पाया जा रहा है वह निश्चित तौर पर किसी न किसी जीव से संबंध अवश्य बनाए रखे होगा। उनके बीच में अंतर क्रियाएं निश्चित होती होंगी, एक दूसरा जीव एक दूसरे को इंटरेक्ट अवश्य करता होगा। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सिंगल निवास करता हो। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सिंगल निवास करता हो, अकेला हैबिटाट में रहता हो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। इनके बीच के संबंध को पॉपुलेशन इंट्रैक्शन या जनसंख्या अंतर क्रिया कहते हैं। अंतर क्रिया कहते हैं जब इस अंतर क्रिया का अध्ययन किया गया, जब इस अंतर क्रिया का अध्ययन किया गया तो ये जाना गया कि वास्तव में ये जो अंतर क्रियाएं हैं, ये जो अंतर क्रिया है वो अंतरा जाति यानी इंटर स्पेसिफिक भी होती हैं। क्या? ये इंटर स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि मतलब क्या कह दिया गया, एक स्पीसीज के बीच में तो मानते हैं सभी लोग, कहते हैं कि संबंध होता है। यहां कहा जा रहा है कि यह इंटर स्पेसिफिक यानी कि एक जाति दूसरी जाति के बीच में भी संबंध पाया जाता है, एक जाति का दूसरी जाति के बीच में भी मुख्य रूप से संबंध पाया जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, प्लांट और प्लांट यानी पौधे और पौधे के बीच में संबंध है, भले एक स्पीशीज के पौधे हो या दूसरी स्पीशीज के पौधे, इनके बीच में संबंध पाया जाता है। जैसे एपिफाइट्स के रूप में ले लीजिए, ऑर्किड पौधा कहता है भैया मैं बहुत छोटा सा हूं, मैं मैंगो के ऊपर उगना चाहता हूं, तो मैंगो के ऊपर जाता है और मैंगो परमिशन दे देता है, भैया तू उग जा, मेरा क्या लेगा? वो कहता है भैया मैं तेरा कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भोजन बनाऊंगा, मैं सब कुछ, लेकिन उगना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। तो स्वाभाविक है कि ऑर्किड पौधा भी है और ये भी, तो ये आपस में मुख्य रूप से एक दूसरे आम के ऊपर होता है, तो स्वाभाविक है इसको एपिफाइट या अपररोही कहा जाता है, अपररोही कहा जाता है। तो प्लांट प्लांट में क्रिया होती है। एनिमल एनिमल आप देख लीजिए,
अपने सर के ऊपर जुआ पाया जाता है, वह भोजन प्राप्त कर रहा है, तो स्वाभाविक ये क्या कंडीशन है? ये एनिमल और एनिमल के बीच का संबंध है, अंतर क्रिया, यानी दो भिन्न स्पीसीज है, इंटर स्पेसिफिक है, एक स्पीसीज के बीच में तो अंतर क्रिया होंगी ही, लेकिन ये इंटर स्पेसिफिक भी होती है, स्वाभाविक है कि ये दो भिन्न जाति हैं। फिर प्लांट और एनिमल के बीच में भी मुख्य रूप से संबंध होता है, यानी कि सभी जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हर्बीवोरस एनिमल एच एनिमल होते, वह ग्रास को फीड करते हैं कि नहीं करते हैं, ग्रास को फीड करते हैं कि नहीं करते, तो ये एक क्या है, इकोसिस्टम के बीच की इंट्रैक्शन है, इकोसिस्टम में पाए जाने वाले और इनके बीच में इंट्रैक्शन है, ये मुख्य रूप से ये कहा जाता है। ये इंट्रैक्शन कैजुअल हो सकता है, इंट्रैक्शन कैसा हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार का मुख्य रूप से हो सकता है, ये विषय ध्यान रखना। दूसरी, कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अकेला यानी सिंगल नहीं रह सकता, बहुत बड़ी बात मैंने लिख दी, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये शब्द आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शब्द मुख्य रूप से दिया हुआ है, सीधे सीधे कहा जाता है कि आपके इस पृथ्वी पर जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के कोई भी जीव अकेला निवास नहीं कर सकता, निवास स्थान में नहीं रह सकता, ये विशेष आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को फीड करती है, मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को किसी ना किसी रूप में मुख्य रूप से फीड करती है, यानी खाती, किसी भी रूप में खाती हो। ऑटोट्रॉप्स को भी सरवाइव करने के लिए सॉइल माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है, यह भी लिख दीजिए। ऑटोट्रॉप्स आप जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स को सरवाइव करने के लिए सॉइल माइक्रोब्स की आवश्यकता या नीड लिख दें, चलिए शॉर्ट में लिख दिया, नीड होती है। विशेष तौर पर आप ध्यान में रख लें, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उन पौधों को भी सॉइल की आवश्यकता होती है, सॉइल में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनकी आवश्यकता मुख्य रूप से पड़ती है। इस वजह से कहा जाता है कि सीधे सीधे ऑर्गेनिम हमेशा एक दूसरे से इंट्रैक्ट होता है, ऑर्गेनिम क्या हो रहा है, एक दूसरे से मुख्य रूप से इंट्रैक्ट हो रहा है। अब इंट्रैक्ट तो हो रहा है, इंट्रैक्ट तो हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक जीव को लाभ होता है, या दोनों जीव को लाभ हो रहा है, या एक को लाभ एक को हानि हो रही है, या फिर मुख्य रूप से एक को हानि या फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये विभिन्न प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं। क्या विभिन्न प्रकार के मुख्य रूप से इंट्रैक्शन होते हैं, तो कौन कौन से इंट्रैक्शन है, तो पहले तो इसका मतलब वो देख ली, जब इंट्रैक्शन के दौरान दौरान बेनिफिट होता है, तो प्लस साइन से व्यक्त किया जाता है, उसको काई से व्यक्त किया जाता है, बच्चों प्लस साइन से व्यक्त किया जाता है। जब डेट्रीमेंट, ये मैंने पूरा लिख दिया,
जब डेट्रीमेंट, यानी कि डेट्रीमेंट का मतलब होता है यहां फायदा हो रहा है, तो यहां नुकसान लिख दो, हार्म भी लिख सकती हैं, पर लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये कहती है डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब नुकसान। तो मुख्य रूप से इसको किससे व्यक्त किया जाएगा, माइनस साइन से व्यक्त किया जाएगा। और जब किसी को भी कोई फायदा या नुकसान ना हो तब उसको मुख्य रूप से जीरो से व्यक्त किया जाएगा। कोई फायदा या नुकसान ना हो, जब कोई फायदा या नुकसान ना हो तब उसको मुख्य रूप से जीरो से व्यक्त किया जाता है। ये मुख्य रूप से तीनों चीजें हैं। तो अब मैं एक चार्ट के रूप में मुख्य रूप से आपको समझाना। पहले मतलब मैं क्लासिफिकेशन देख लें। ओडम नामक वैज्ञानिक थे, ओडम नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से एक क्लासिफिकेशन दिया था। क्या या क्लासिफिकेशन या पहले मतलब इनको बता दूं ये प्लस माइनस क्या है एक चार्ट के माध्यम से। क्या चार्ट के माध्यम से मैं बता देता हूं। चलिए चार्ट के माध्यम से, डस्टर कहाँ है, चलिए ये रखा हुआ डस्टर, इसको चलिए ले लीजिए एक बार, फिर पुनः समझ लीजिए। चलिए एक बार मैंने अभी तक क्या बताया ये चीज समझ लीजिए कि अंतर क्रियाएं क्या होती, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होती। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के ऑर्गन के बीच में जो संबंध होते हैं, ऑर्गन के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कहा जाता है। जब इनकी स्टडी की गई, स्टडी करने पर यह पता चला कि वास्तव में ये तो इंटर स्पेसिफिक है, यानी कि दो भिन्न जातियों के बीच में संबंध पाया जा रहा है, दो भिन्न जातियों के बीच में बच्चों संबंध पाया जा रहा है, तो ये कैसा क्या हो रहा है। इस वजह से कह दिया गया कि वास्तव में मुख्य रूप से प्लांट प्लांट दो भिन्न स्पीशीज के प्लांट है, उनमें भी संबंध पाया जा रहा है। दो भिन्न स्पीशीज के एनिमल है, उनके बीच में संबंध पाया जा रहा है, प्लांट और एनिमल के बीच में भी संबंध पाया जाता है। ये कैजुअल हो सकते हैं, ये टेम्परेरी हो सकते हैं, या परमानेंट हो सकते हैं, ये तीनों में से किसी भी प्रकार के मुख्य रूप से हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अकेले हैबिटाट में निवास करता हो, पहली बात तो ये। प्रत्येक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को फीड करती है, दूसरी बात मुख्य रूप से ये लिखी हुई है। ऑटोट्रॉप्स को भी सरवाइव करने के लिए, ऑटोट्रॉप्स को भी सरवाइव करने के लिए सॉयल माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। क्लियर। दूसरा, प्रत्येक पॉपुलेशन ऑर्गेनिम हमेशा इंट्रैक्शन करती है, प्रत्येक पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हमेशा क्या करती है, इंट्रैक्शन करती है। इस इंट्रैक्शन के दौरान यदि एनिमल को फायदा हो, बेनिफिट हो, तब उसको प्लस साइन से व्यक्त किया जाता है, और यदि नुकसान डेट्रीमेंट हो तब उसको माइनस साइन से व्यक्त किया जाता है। क्लियर। और ना तो फायदा हो ना नुकसान हो तब उसको शून्य से व्यक्त किया जाता है, जीरो से व्यक्त किया जाता है। अब ये किस प्रकार से आप बता सकते हैं, तो इसका एक चार्ट ले लीजिए, जब तक मैं जरा पानी भी पी लूं। चलिए ये ले लिया आपने, मैं डाल दूं बिल्कुल। चलिए अब देखिए अब क्या बताया जाता है। एक चार्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को मैं मुख्य रूप से यहां बना रहा हूं। जैसे कि स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, नेम ऑफ इंट्रैक्शन लिख दिया जाए, इनके बीच में क्या पाया जाता है, कौन सा इंट्रैक्शन पाया जाता है, नेम ऑफ इंट्रैक्शन। तो सबसे पहला मुख्य रूप से बताया जाए कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म। क्लियर। दूसरा मुख्य रूप से कंपटीशन, मुख्य रूप से
प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, और अमेंसेलिज्म। तो भैया ये बता दिए गए क्या, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के मुख्य रूप से इंट्रेक्शन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, ये लीजिए, ये नेम ऑफ इंट्रेक्शन हो गया, ये एक स्पीसीज हो गई और ये दूसरी स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आप और हम लोग, ये यहां और कर दूं। म्यूचुअलिज्म कंडीशन क्या होती है? म्यूचुअलिज्म कंडीशन मुख्य रूप से क्या होती है आपकी, मतलब ये कहा जाए कि इसके लिए एक सिम्बायोसिस वर्ड उपयोग किया गया, ये कहा जाए कि ये सिम्बायोसिस के ओडम के अकॉर्डिंग, ओडम जो वैज्ञानिक थे वो ये कहते थे कि ये मेरे अकॉर्डिंग मुख्य रूप से टाइप्स हैं, ये जो पॉजिटिवली होते नकारात्मक भी होते हैं, नेगेटिवली होते हैं, यानी कि नकारात्मक नेगेटिवली, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक, दोनों टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? सकारात्मक में मुख्य रूप से आपके कॉमेंसलिज्म आ जाएगा, ये दिया हुआ है, प्रोटो कोऑपरेशन नहीं जो इसमें आता है वो भी आ जाएगा एक तरीके से, या ये कहा जाए आपके कॉमेंसलिज्म, पैरासाइट, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, अमेंसलिज्म, मुख्य रूप से ये आपके कॉम्पिटिशन आता है नकारात्मक में, क्या नकारात्मक में इसमें जो लिखा, और म्यूचुअलिज्म जो है सकारात्मक में आएगा आपका इसमें, और प्रीडेशन जो आएगा वो मुख्य रूप से किधर आएगा, उधर चला जाएगा आपका क्या बोलते हैं नकारात्मक में, पैरासिटिज्म भी क्या चला जाएगा, लिख लीजिए, चलिए मैं क्या बता रहा हूँ आप तो लिख लीजिए। म्यूचुअलिज्म कंडीशन क्या होती है? म्यूचुअलिज्म कंडीशन में स्पीसीज जो ए है इसको फायदा होता है, स्पीसीज बी को भी फायदा होता है, यानी दो भिन्न जीव इस प्रकार से निवास कर रहे हैं, इस प्रकार से निवास कर रहे हैं दो भिन्न जातियों के जीव के दोनों को फायदा हो। फॉर एग्जाम, लेग्यूमिनेशी कुल के पादपों की जड़ों की गांठों में मुख्य रूप से राइजोबियम रहता है, रहता है। तो ये राइजोबियम तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है और उसके बदले में मुख्य रूप से वह उसको पोषण प्रदान कर रहा है और रहने का स्थान दे रहा है राइजोबियम को। एक ये माइकोराइजा या फिर लाइकेन कहा जाए, लाइकेन कवक और एल्गी का कोरिलेशनशिप है। माइकोराइजा जो है वह मुख्य रूप से किसका कोरिलेशनशिप है? फंजाई और हायर कैटेगरी के प्लांट्स का। तो इनको सभी को फायदा होता है। इसमें क्या होता है लाइकेन में कि लाइकेन के जो सेवाल हैं, जो एल्गी हैं, वह तो इसको फूड दे रहे हैं और जबकि जो फंजाई है वो लाइकेन के लिए वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये फायदा दोनों को हो रहा है कि नहीं? तो यह मुख्य रूप से क्या, दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड हो, उसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या कहा जाता है बच्चों? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, क्लियर? तो ये तो आपके क्या हो गई, म्यूचुअलिज्म हुई। दूसरे कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्येक जीव के नुकसान ही होता है, प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्येक जीव को नुकसान ही होता है। तो यहां मुख्य रूप से क्या, यानी नुकसान हो रहा है, नेगेटिवली एक क्रिया हो गई तो माइनस माइनस, ए को भी नुकसान हो रहा है और बी को भी नुकसान हो रहा है, ए को भी नुकसान हुआ, बी को भी नुकसान हुआ, हुआ कि नहीं? तो ये चीज मुख्य रूप से क्या कहलाती है, कॉम्पिटिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्पिटिशन कहलाता है। दूसरी चीज प्रीडेशन, प्रीडेशन में मुख्य रूप से क्या होता है, स्पीसीज ए को फायदा और स्पीसीज बी को नुकसान, यानी कि ये क्या मतलब हुआ, यहां ये प्रे है, यानी प्रे है, प्रे को यहां कह दूं मैं डियर, क्या है, अरे दोस्त वाला डियर लिख रहा हूं, डियर, और यहां लिख दूं लॉयन,
यानी लॉयन को फायदा होगा, क्यों? क्योंकि लॉयन ने डियर को खा लिया, हिरन को खा लिया, तो लॉयन को तो बेसिकली फायदा हो गया, लॉयन को क्या हो गया, फायदा हो गया, तो स्वाभाविक लॉयन क्या हुआ इसमें, प्रीडेटर हुआ, लॉयन क्या हुआ इसमें, प्रीडेटर हुआ, और डियर क्या हुआ, प्रे हुआ, डियर क्या हुआ बच्चों, प्रे होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बता सकते हैं आप। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी मुख्य रूप से ए को सपोज दैट क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ये, और ए को नुकसान हो रहा है, तो स्पीसीज ए को फायदा हुआ, स्पीसीज ये ए है, ये स्पीसीज बी है, स्पीसीज ए को फायदा, स्पीसीज बी को नुकसान हुआ, यानी पैरासिटिज्म में मुख्य रूप से क्या कंडीशन हो गई, अपने शरीर पर जो जुआ पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट, उनको क्या कहा जाएगा, ये पैरासाइट हैं, ये पैरासाइट, पैरासाइट को फायदा हो रहा है, जुए को फायदा हो रहा है, अपने को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये मुख्य रूप से ये क्या होस्ट हुआ, क्या हुआ, जिसके ऊपर निवास करता है, जिसके ऊपर निवास करता है उसको होस्ट कहा जाता है, तो होस्ट को सदैव नुकसान होता है, होस्ट को कैसा होता है नुकसान, तो माइनस से व्यक्त किया गया, अभी कहा था डेट्रीमेंट को माइनस से व्यक्त किया जाता है। फिर आया कॉमेंसलिज्म, क्या आता है कॉमेंसलिज्म, तो कॉमेंसलिज्म में देख लीजिए, ऑर्किड का पौधा मैंगो के ऊपर एपिफाइट्स है, ऑर्किड का पौधा ये कहता है भैया मैंगो से मेरी हाइट बहुत छोटी है, मुझे धूप नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी तो मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी, यानी अपना भोजन नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे आप अपने ऊपर रहने देंगे, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, तो वो कहता भैया रह लो, तो मैंगो के ऊपर मुख्य रूप से क्या ऑर्किड क्या है एपिफाइट्स है, मैंगो के ऊपर ऑर्किड क्या है एपिफाइट्स है, तो यहाँ एग्जाम्पल में आप ये मैं इधर लिख देता हूँ ऑर्किड, ऑर्किड एपिफाइट्स ऑन मैंगो, मैंगो के ऊपर ऑर्किड एपिफाइट्स है, एक ये। दूसरा सी एनिमन और क्लाउन फिश जो है, क्या सी एनिमन क्लाउन फिश के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है, इनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है, सी एनिमोन पाया जाता है, सी एनिमोन आपने शायद देखा नहीं होगा, इधर मैं बना दूं, देखिए ये सी एनिमोन है, इसके चारों ओर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टेंटिकल्स मतलब कांटे जैसी संरचना होती है, ये मुख्य रूप से सीलेंटेड का एनिमल है, ये आपके रह रहा है। अब क्या होता है, ये तो घूम रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं है, एक फिश होती है क्लाउन फिश, कौन सी फिश होती है क्लाउन, बहुत छोटी फिश होती है, तो इसको बड़ी फिश खा लेती है, बड़ी फिश खा लेती है, तो क्लाउन फिश क्या करती है, क्लाउन फिश मुख्य रूप से क्या करती है कि इन टेंटिकल्स के बीच में छुप जाती है, इन टेंटिकल्स के बीच में मुख्य रूप से क्लाउन फिश छुप जाती है, तो स्वाभाविक है जैसी बड़ी फिश इसको खाने आती है तो ये टेंटिकल्स ऐसे करते हैं, मार देते हैं, तो स्वाभाविक है ये फिश बची रहती है, तो ये क्या है, यानी कि क्लाउन फिश इसके ऊपर कॉमेंसलिज्म एपिफाइट्स है, कॉमेंसलिज्म में मतलब इसको तो इस एक को तो क्या हुआ, एक को क्या हुआ फायदा हुआ, एक को क्या हुआ फायदा हुआ, फायदा हो गया, दूसरे को कुछ नहीं हुआ, दूसरे को कुछ नहीं हुआ, भैया इस ये इसमें छिप गई, सी एनिमोन के अंदर के टेंटिकल्स के अंदर क्लाउन फिश छिप गई, तो क्लाउन फिश को तो क्या हो गया, फायदा हो गया, लेकिन सी एनिमोन को क्या ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, जंगल में भैंस चढ़ते हुए आपने देखा होगा, कभी कभार उस भैंस के ऊपर एक सफेद रंग का पक्षी पाया जाता है जिसको एग्रेट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एग्रेट्स कहा जाता है, ये एग्रेट्स जो पक्षी है जैसी भैंस घास को चरती है, जैसी भैंस घास को चरती है तो वहाँ निगाह लगाए हुए उस घास के ऊपर, भैंस जैसी घास को चरेगी, ग्रासेस को ग्रेज करेगी तो वहाँ से इंसेक्ट कुछ उड़ते हैं,
जैसे ये इंसेक्ट उड़ते हैं तो वो इंसेक्ट को फीड कर लेता है। भैया भैंस के ऊपर बैठा, भैंस को क्या घाटा था? भैंस को कोई घाटा हुआ? भैंस तो ये कह रही मुझे क्या, मैं तो अपनी घास चर रही हूं, इंसेक्ट उड़ रहा है वो खा रहा है तो खाने दो। तो एक स्पीसीज को फायदा हुआ और दूसरी को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, कमेंसेलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमेंसेलिन के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात आता, एक अमेंसेलिन दिया हो, एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं तो याद आप कर ले कैसे। अमेंसेलिन की कंडीशन ये है, मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं, लेकिन ब्लैक से करो, मुझे कोई फायदा नहीं। स्पीसीज ये कह रही मुझे कोई फायदा नहीं है, नहीं, स्पीसीज भी कह रही मुझे कोई फायदा नहीं है लेकिन तुझे मैं नुकसान करूंगी। या इधर जीरो लिख दो या एक, यानी एक स्पीसीज को कोई फायदा या नुकसान नहीं, उसको जीरो कहा जाता है, लेकिन ये कहती है मैं तुमको नुकसान अवश्य करूंगी। वही कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाती है, अमेन सेलिन कहलाती है। वही स्थिति मुख्य रूप से क्या कहलाती है, अमेन सेलिन के नाम से जाना जाता है। तो ये चार्ट आप रट ला लीजिए, ये चार्ट मुख्य रूप से आप रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। क्या बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है ये मान के चलिए, इस चार्ट में से आपको टोटल कंडीशन याद हो जाएंगी। इस चार्ट को तैयारी करते तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से पूरा का पूरा चार्ट के माध्यम से आप अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो कर लीजिए भाई ये चार्ट। देखिए तो ये कमन सेलिज में है, इस कमन सेलिज को देखिए, प्रीडेशन को तो क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। मैं हिंदी भी लिख दूं, परभक्षिता, मतलब हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए प्रति स्पर्धा कहा जाता है। अब ये तो एग्जाम्पल की तो आप फोटो ले चुके हो तो मैं मिटाल दूं यहाँ। कॉमन सेलिज चलिए नीचे लिख दूंगा, कॉमन सेलिज को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, सह स्वभोजिता, क्या कहते हैं, सहभोजिता के नाम से जाना जाता है। सहभोजिता कहा जाता है। और भी देख लूं मैं, मिचुलिन को सह परोपकारिता, सह परोप कारिता, क्या कहा जाता है, सह परोपकारिता कहा जाता है। ठीक है, ये और इसको तो आप जानते हैं, ये मिटाल दिया मैंने, चलिए एग्जाम्पल बहुत लिखे थे। इसको क्या कहा जाता है, परजीवी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सहोपकारिता मिचलिन में दोनों को फायदा, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, परिवच्छता में एक को फायदा एक को नुकसान, फायदा को प्लस और नुकसान को, परजीवी में एक को फायदा एक को नुकसान, यानी कि पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है। कमेन सेलिज में एक को फायदा होता है एक को फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं होता है। एपिफाइस इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपको पता ही है। और एमेन सेलिज में ये कंडीशन होती है कि मुझे तो नुकसान और फायदा नहीं है लेकिन मैं तुझे नुकसान जरूर करूंगा। ये ऐसे ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पहला चीज। अब इसके बाद मतलब मैं इसको, जो ओडम नामक वैज्ञानिक थे, ओडम जो साइंटिस्ट थे, ओडम साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप हर हालत में, तब मैं बात करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए ओडम जहां वैज्ञानिक थे, ओडम वैज्ञानिक मुख्य रूप से क्या कहते थे कि दो प्रकार की सिंबायोसिस होती है, यानी इस इंटरेक्शन को विभिन्न पर्यावरणविद एक शब्द उपयोग करते थे, सिंबायोसिस। इस इंटरेक्शन को पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए एक वर्ड उपयोग किया गया था जिसको सिंबायोसिस कहा जाता है। सिंबायोसिस कहा जाता है, सहजीविता। क्या कहा जाता है बच्चों, सहजीविता कहा जाता है।
ये जो शब्द दिया था सहज सिम्बायोसिस, एक वैज्ञानिक थे डी बेरी, डी बेरी नामक एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से ये शब्द दिया था 1879 में। क्या दिया था? 1879 में मुख्य रूप से ये शब्द दिया था, ये ध्यान में रखना। पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से सिम्बायोसिस शब्द किसने दिया था, तो डी बेरी ने दिया था। ओडम वैज्ञानिक ये कहते थे कि ये क्रियाएं जो हैं, कौन सी क्रियाएं, सिम्बायोसिस, ये जो क्रिया है, ये क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रकार की होती हैं। एक तो सकारात्मक पॉजिटिवली पॉजिटिव, और दूसरी कहते हैं ना, अरे कि उसने ऐसा कर दिया, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम पॉजिटिव सोच रखो। कैसी सोच रखो? पॉजिटिव सोच रखो, कहते हैं बड़े बूढ़े के नहीं कहते हैं, तो स्वाभाविक है। दूसरी कैसी होती है कि यार तुम नेगेटिव सोच हमेशा रखते हो, तो ये नकारात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नकारात्मक। तो सकारात्मक के भी देख लीजिए, सकारात्मक भी कई प्रकार का होता है। नंबर एक पे मुख्य रूप से कॉमन सेलिंग में आ जाएगा, जो आपको वह मैं बता चुका हूं, कॉमन सेलिंग। तो स्वाभाविक है, यहां मैं एग्जाम्पल में लिख दूं, इपीफाइट्स काम चल जाएगा, इपीफाइट से काम चल जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ऑर्किड ऑन मैंगो प्लांट्स, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है, मैंगो प्लांट्स, ठीक। दूसरा मुख्य रूप से आपका आता है ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए, प्रोटोको ऑपरेशन, डॉट का उपयोग, प्रोटोको ऑपरेशन। तो प्रोटोको ऑपरेशन में मुख्य रूप से लिख दिया जाए, एग्जाम्पल में मवेशी, मवेशी यानी दोनों का सहयोग होता है, मवेशियों में ये क्रिया होती है। ये किसका कहना है? ये ओडम वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग है। ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, ये कौन से वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग है? ओडम नामक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग है, ये विषय ध्यान रखना। डी बेरी ने तो सिम्बायोसिस शब्द दिया था, ओडम ने मुख्य रूप से ये दिया था, क्लियर। तो एक चीज ये, दूसरा, तीसरा कौन सा, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हुआ। तो देख लीजिए इसमें क्या बताया जाता है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में मुख्य रूप से आप क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल मतलब कि दोनों को फायदा होता हो, दोनों को फायदा होता हो, राइजो राइजोबियम प्लस लेग्यूम रूट्स के बीच जो पाया जाता है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। माइकोराइजा, ये एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए, लाइकेन, ये एग्जाम्पल ध्यान में आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या कंडीशन हुई, म्यूचुअलिज्म हुई। क्या कंडीशन हुई? म्यूचुअलिज्म हुई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मिटाना सकता हो सकता है, मिटा लूं मैं। अब आता है आपका नकारात्मक। कहते ना कि भाई आप सोच अच्छी रखिए, अपनी गंदी सोच मत रखिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट, क्या पहला जो पॉइंट है ये क्या होता है, प्रतिस्पर्धा,
प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन दूसरा पॉइंट मुख्य रूप से क्या कह दिया, कंपटीशन दो प्रकार का होता है ये आपको पता ही है। कंपटीशन दो प्रकार का, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। कंपटीशन कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर, पहली बात तो ये आप ध्यान में रख लें। फिर आता है दूसरा, शोषण एक्सप्लोएशन। क्या ये चीज मुख्य रूप से लीजिए, ये आपका, ये अब मैं थोड़ा सा ये मिटा लो, इसकी ले लीजिए यहां जरा, ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का मुख्य रूप से बताया जाता है। एक तो नेस्ट पैरासिटिज्म, नेस्ट पैरासिटिज्म सुन लीजिए, कोयल कुकु को कोयल कौवे के घोंसले में सदैव अंडा देती है। कोयल और कौवा एक जैसे होते, कोयल के अंडे पहले अलग होते होंगे, सपोज दैट कि ये है कौवे के अंडे, ये घोंसला दिया इन्होंने और ये कोयल के अंडे हैं। कुछ अंडे इस प्रकार के होते थे, कुछ इनका कलर, मतलब सबको दैट ये ब्लू कलर, ये इस प्रकार के, तो कौवा यहां इनको देख लेता था, निकाल के फेंक देता, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान कोयल के अंडे कौवे जैसे हो गए, कोयल के अंडे कौवे जैसे विकसित हो गए, तो वो आकर मुख्य रूप से जहां कौवे ने अंडे दिए उसी घोंसले में अपने अंडे दे देता था। तो उन अंडों को मुख्य रूप से फीमेल कौवा सह देता था, यानी हीटेड कर देता था, फिर बच्चे निकलते थे, तो बच्चे निकलते थे तो धीरे धीरे उनको भोजन भी प्रोवाइड कराता था, अपना लाड़ प्यार देता था वो कौवा, और सीधे बड़े हो जाते वो उड़ जाते। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, नेस्ट पैरासिटिज्म कहलाती है। कंडीशन क्या कहलाती है, नेस्ट, तो इसमें आप लिख सकते हैं कोयल का एग्जाम्पल, कोयल का कौवे के घोंसले के साथ, कौवा के घोंसले के साथ जो पाया जाता है इंट्रैक्शन, वो ये आ जाएगा। दूसरी कंडीशन पैरासिटिज्म, क्या कंडीशन हो जाएगी, पैरासिटिज्म कंडीशन हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं बच्चों। तो पैरासिटिज्म में आप देख लो, मेरे ऊपर जुआ पाया जा रहा है, मतलब कहावत है, मेरे ऊपर जुआ पाया जाता है, तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन मुख्य रूप से कौन सा, ये मिटाल दिया, प्रीडेशन। तीसरा नंबर यानी परभक्षिता। और चौथा जो पॉइंट आता है चार नंबर का, क्या चार नंबर का जो पॉइंट आता है वो एंटी बायोसिस। तो ये मुख्य रूप से आपको ओडम नामक वैज्ञानिक ने दो रूपों में बताया, पहला रूप सकारात्मक था, दूसरा रूप नकारात्मक था। सकारात्मक में नंबर एक आया कॉमेंसलिज्म, नंबर दो आया प्रोटो कोऑपरेशन, नंबर तीन आया म्यूचुअलिज्म। ऐसे ही मुख्य रूप से नकारात्मक में पहला पॉइंट आया कंपटीशन। कंपटीशन दो प्रकार का होता है, नंबर एक इंटर स्पेसिफिक, नंबर दो इंट्रा स्पेसिफिक। फिर आता है दूसरा एक्सप्लेनेशन, जो भी दो प्रकार का, नेस्ट पैरासिटिज्म और पैरासिटिज्म, यानी कि एक को फायदा हो रहा है, एक को मुख्य रूप से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और एक को मुख्य रूप से क्या कंडीशन हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं। तो नेस्ट पैरासिटिज्म यानी कोयल कौवे के घोंसले में, प्रीडेशन यानी परभक्षिता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, क्या एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि सीधे सीधे आपका ऑर्किड का मैंने दूसरा मतलब नहीं सॉरी प्रीडेशन और ये नहीं एग्जांपल आएगा सॉरी प्रीडेशन मतलब लॉयन डियर को खा लेता है, तो लॉयन लॉयन प्रीडेटर हो गया, और डियर जो है वह मुख्य रूप से क्या हो गया, सीधे सीधे आपका क्या हो गया, प्रे हो गया,
तो ये कंडीशन, ऐसी एंटीबायोसिस। तो इस प्रकार से ये आप जरूर कर लीजिए क्या। अब इसमें आपको एक एक करके पढ़ना, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ तो एक एक करके पढ़ना। तो एक एक करके ये है कंडीशन कि मैं प्रत्येक को एक छोटा जो पोर्शन होगा उसको अलग और बड़ा पोर्शन होगा उसको अलग चार्ट के रूप में मुख्य रूप से ले लूंगा। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं प्रीडेशन, क्या प्रीडेशन देखते हैं। तो इसका ले लीजिए एक चार्ट, मतलब एक बुक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रीडेशन बताता हूँ, प्रीडेशन क्या होता है। सिर्फ इस पार्ट में मैं आपको प्रीडेशन लेके चलूंगा क्योंकि तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्लास ये। प्रीडेशन यानी पर बच्चिता, इसमें एक जीव को प्रीडेटर कहा जाता है जिसको फायदा होता है, तो यानी फायदे वाले को प्लस साइन से व्यक्त किया जाएगा, फायदे वाले को प्लस साइन से व्यक्त किया जाता है, और जो जिस पर इंटरेक्ट रहता है जिस पर ये, तो उसको क्या कहते हैं, प्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रे कहा जाता है, और प्रे को आप माइनस से यानी नुकसान होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये आपका यही हो गया। तो एग्जाम्पल में मैं मुख्य रूप से लॉइन डियर, लॉइन डियर, काउ ग्रास, क्या मतलब गाय घास को खाती है, गाय घास को खाती है कि नहीं खाती है, स्पैरो सीड, ये मुख्य रूप से आपका क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ये प्रीडेटर है और ये प्रे है। भाई सीड को खाया तो सीड को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, अब सीड को खाया तो ये नुकसान हुआ, तो स्वाभाविक है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है, इसको माइनस साइन से इसको प्लस साइन से व्यक्त किया जाता है। गाय ने घास को खा रही है, दूसरी जाति की है, तो गाय की खाते जा रहे हैं जंगलों में उस फसल, मतलब पैर भी रखते जा रहे, तो हो सकता है वो स्पीसीज ही खत्म हो जाए। तो ये लॉयन डियर को खाता है तो डियर को कोई फायदा, लॉयन मर गया, तो सॉरी डियर मर गया, तो इस वजह से इसको प्रे यानी कि माइनस से व्यक्त किया जाता है, पहली चीज। इसमें फिर क्या बताया जाता है आप देख लीजिए, इसके पॉइंट आउट मतलब धीरे धीरे से। प्रीडेशन की क्रिया प्रीडेशन प्रीडेशन इज ए गुड प्रोसेस। भैया प्रीडेशन को गुड प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है बताइए। प्रीडेशन एक जीव को नष्ट कर रहा है और इसको क्या कह रहे हैं अपन, गुड प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसके माध्यम से एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बिकॉज बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर ऑन ट्रॉपिकल लेवल, ए ट्रॉपिकल लेवल टू एनोदर ट्रॉपिकल लेवल। प्लांट ने सनलाइट से ली एनर्जी, इसने मुख्य रूप से किसको कर दी, हर्बीवोरस को, किसको कर दी, प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी ली, इसकी 10% एनर्जी, प्लांट पूरा लिखो ना, 10% एनर्जी हर्बीवोरस को ट्रांसफर हुई। हर्बीवोरस ने कहा खाई तो प्राइमरी कार्निवोरस को 10%, यानी कि ये तो ट्रॉपिकल वन हो गया, ये ट्रॉपिकल टू हो गया, ये ट्रॉपिकल थ्री हो गया, फिर ट्रॉपिकल फोर पर, और फिर ट्रॉपिकल फाइव
फाइव पर इस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर होती चली जा रही, इस वजह से इसको गुड क्रिया कहा जाता, गुड प्रोसेस कहा जाता है, यानी अगले ट्रॉपिकल लेवल पर मुख्य रूप से इसके द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होती है ये, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, तो ये मैं हटा दूं, ये चीज मैं हटाने जा रहा हूं। अब दूसरा मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे ये कहा जाता है कि इस नेचर में जो इंसेक्ट पाए जाते हैं वो 25% इंसेक्ट, टोटल में से 25% इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस का मतलब होता है पौधों को खाने वाले, खाने वाले। फाइटोफेगस मतलब पौधों को खाने वाले 25% इंसेक्ट होते हैं, ये विशेष ध्यान रख लेना। सभी इंसेक्ट में से 25% इंसेक्ट फाइटोफेगस होते हैं जो पौधों को मुख्य रूप से खाते हैं, पहली चीज। अगला एक्जोटिक टिक स्पीसीज, पहले आप ये समझ लें कि एक्जोटिक स्पीसीज क्या होती है। ऐसी स्पीसीज जिस प्लेस पर नहीं पाई जाती है बाहर से इंट्रोड्यूस कराया जाए, बाहर से मुख्य रूप से इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसको मुख्य रूप से कहा जाता है एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज के कारण बहुत सारी परेशानियां होती है, हैवॉक कंडीशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में? मुख्य रूप से हैवॉक कंडीशन लिखा हुआ है, इसके लिए वर्ड एक उपयोग किया गया है। तो एक्जोटिक स्पीसीज इज हैवॉक। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रिकले पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस हुआ था। ये इतने हेक्टेयर एरिया में फैल गया कि ये नुकसानदायक हो गया, हैवॉक कंडीशन हो गई इसकी, इतना ज्यादा फैल गया। तो अब इसको नष्ट करना है, तो नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाए भाई? नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो स्वाभाविक है, नष्ट करने के लिए वहां कैक्टस ईटिंग मॉथ को एंट्री करा दी गई। किसकी एंट्री करा दी गई? कैक्टस ईटिंग मॉथ की एंट्री करा दी गई। कैक्टस ईटिंग मॉथ जैसे एंट्री हुई तो इसको इसने नष्ट कर दिया, इसको इसने मुख्य रूप से नष्ट कर दिया। ये जो घटना है, ये घटना 1920 की है। ये घटना कब की है? 1920 की है। ये भी मुख्य रूप से बहुत आवश्यक है, ये विषय ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, में मिटा लूं, यहां मैं मिटाल देता हूं, ऊपर पॉइंट लिख देता हूं। चलिए ले लीजिए, अब क्या बताया जाता है कि जो प्रीडेशन क्रिया होती है, प्रीडेशन क्रिया जो होती है, ये क्रिया प्रोसेस जो होती है यह पॉपुलेशन को मेंटेन करती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। प्रीडेशन प्रोसेस इज मेंटेन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन करती है प्रीडेशन क्रिया। प्रीडेशन क्रिया मुख्य रूप से क्या करती है? पॉपुलेशन को मेंटेन करती है। एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल पेस्ट का उपयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट का उपयोग किया जाता है, विषय ध्यान रखना। बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट का यूज मुख्य रूप से किया जाता है प्रीडेटर को नियंत्रण करने के लिए, प्रीडेटर को नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से ऐसा होता है। तो एक पॉइंट ये भी आप मुख्य रूप से अच्छे ढंग से ध्यान में रख सकती है, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट का मेथड का उपयोग एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से किया जाता है। फिर डायवर्सिटी, को
मेंटेन करती है ये प्रोसेस, डायवर्सिटी को भैया मेंटेन कैसे करती है, क्या डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्रीडेटर का उपयोग किया जाता है, डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है कैसे? अमेरिका स्पेसिफिक कोर्स में, अमेरिका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस एग्जांपल को ध्यान में रखना, अमेरिका स्पेसिफिक कोर्स में एक तो आपको प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जांपल ध्यान में रखना है और एक ये एग्जांपल ध्यान में रखना है, यहां मुख्य रूप से एक पिसास्टर फिश पाई जाती है, पिसास्टर स्टार फिश पाई जाती थी, ये प्रे को फीड करती थी, क्या प्रे को फीड करती थी, लेकिन कुछ जैसे ये है एरिया, इस एरिया में पिसास्टर स्टारफिश पाई जा रही है, इन प्रे को मुख्य रूप से ये फीड कर रही, लेकिन एक एरिया से क्या किया गया कि सीधे सीधे इनको हटा दिया गया, पिसास्टर स्टारफिश को मुख्य रूप से गायब कर दिया गया, तो क्या देखा गया कि वहां जो प्रे थे वह प्रे एक दूसरे को मुख्य रूप से फीड करने लगे, जिससे कि प्रे ही 10 साल में एक्सट्रिक्ट हो गए, प्रे 10 साल में स्पीसीज की एक्सट्रिक्ट हो गए, विलुप्त हो गए प्रे, ये पिसास्टर फिश है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक चीज ये भी है। दूसरा चीज मुख्य रूप से क्या बताया जाता है आपका, प्रीडेटर किस प्रकार के होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, प्रीडेटर प्रूडेंट होना चाहिए, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि सही मात्रा में शिकार करें, सही मात्रा में शिकार करें, इस प्रकार के प्रीडेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला है कि लॉयन पूरी डियर को ही खा जाए, भाई लॉयन डियर को खा जाएगा तो डियर की स्पीसी समाप्त हो जाएगी, ये भी लॉयन गॉट को भी खा ले, किसको खा ले, लॉयन गॉट को, अन्य हर्बीवोरस एनिमल को खा ले, तो जिससे क्या डियर की स्पीसीज तो बची रहेगी, तो इस वजह से इस प्रकार के होना चाहिए प्रीडेटर को, प्रीडेटर प्रूडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुख्य रूप से डिफेंस मैकेनिज्म प्रीडेटर की बताई जाती है, एनिमल अपने आप को किस प्रकार से, प्रे एनिमल जो है वो किस प्रकार से डिफेंस करते हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से डिफेंस करते हैं, कर लीजिए, मैं डाल दूं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिससे ध्यान रखें। तो आप डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं प्रीडेटर की, देखिए डिफेंस मैकेनिज्म में क्या बताया जाता है, सीधे सीधे मुख्य रूप से डिफेंस मैकेनिज्म, पहले एनिमल की देख लें, एनिमल की डिफेंस मैकेनिज्म मुख्य रूप से क्या होती है कि कैमोफ्लेज, फर्स्ट यानी कुछ इंसेक्ट एंड फ्रॉग इस प्रकार के होते हैं जो एनवायरमेंट में छिप जाते हैं, इंसेक्ट और फ्रॉग ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट में मुख्य रूप से क्या हो जाते, छिप जाते, यानी कि ब्लेंडिंग विद द एनवायरमेंट, क्या लिख सकती है इसका मतलब क्या हुआ, ब्लेंडिंग विथ द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में छिप जाना, पर्यावरण में मुख्य रूप से छिप जाना क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज कहलाता है। दूसरा मिमिक्री, यानी एक जीव दूसरे जीव जैसा प्रतीत होने लगे, एक जीव दूसरे जैसा प्रतीत होने लगे, इसको कहते हैं कॉपिंग ऑन ऑर्गेनिज्म, क्या कॉपिंग ऑन ऑर्गेनिज्म, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो वैक्सियन और दूसरी मुलेरियन, इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, एक
बटरफ्लाई जैसी है, क्या एक बटरफ्लाई पॉइजनस होती है और दूसरी नॉन पॉइजनस होती है? तो इसको तो कोई खाएगा तो मर जाएगा, तो इस वजह से इसको कोई खाता नहीं है प्रकृति में, इस प्रकार का एवोल्यूशन। इसको खाएंगे तो मरेंगे नहीं, तो ये अपने आप को इवोल्यूशन के दौरान इस प्रकार से परिवर्तित कर लेती थी पॉइजनस जैसा, तो ये बच जाती थी। ये क्या हो जाती थी? बच जाती थी। इसमें पॉइजनस बटरफ्लाई और दूसरी भी कैसी होती थी? पॉइजनस होती थी। लेकिन प्रकृति ने क्या देखा कि मुख्य रूप से इसको पहले खाते थे तो मर जाते थे, यानी प्रकृति में नेचर में ये सबसे पहले आई होगी बटरफ्लाई, उसके बाद ये आई। लेकिन इसको लोग पहचान नहीं पाए, मतलब खाने वाले इसके जो प्रीडेटर थे इसको पहचान नहीं पाए, तो इसको खा लेते थे भले मर जाए। लेकिन इसने धीरे धीरे क्या किया कि अपने आप को इसमें परिवर्तित कर लिया, इसमें परिवर्तित कर लिया। हैं दोनों पॉइजनस ही, इसको खा लेते नहीं खाते थे लेकिन इसको खाते थे। क्यों? क्योंकि ये बाद में वॉल्यूट हुई होगी, बाद में वॉल्यूट हुई तो इसको अपने आप को बचना है, तो इसने क्या किया, ये अपने आप को इस पॉइजनस बटरफ्लाई में मुख्य रूप से प्रदर्शित कर लेती थी, दिखाई देने लगती थी। तो इसको कहा जाता है, क्लियर? पहली बात तो ये हुआ। फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, पॉइजनस, ये तीसरे नंबर एक मोनार्च बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई का जो लार्वा है पॉइजनस लीव्स को फीड करता है, पॉइजनस लीव्स को फीड करता है। इसके फलस्वरूप इस लार्वा को कोई, मोनार्क लार्वा को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इसको कोई खाता है दूसरा जीव, वह मर जाता है, वह जीव मर जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, तो बाद में इसको कोई खाता ही नहीं है। मेरे बच्चों ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये तो आपका एनिमल का डिफेंस मैकेनिज्म है, कॉम्यूफ्लाज यानी ब्लेंडिंग विद एनवायरमेंट, ब्लेंडिंग विद एनवायरमेंट, विद द एनवायरमेंट। दूसरा मिमिक्री यानी एक जीव दूसरे की कॉपी कर ले, और तीसरा मुख्य रूप से था पॉइजनस यानी मोनार्च बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो पॉइजनस लीव्स को फीड करता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो इसको खाएगा वो मर जाता है, तो इस वजह से इसको कोई खाता नहीं है। ये हो गया आपका एनिमल में डिफेंस मैकेनिज्म। अब आता प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म से क्या मतलब है? प्लांट के लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? प्लांट के लिए मुख्य रूप से थ्रोन कांटा का पाए जाना, क्या अकेसिया देख लीजिए, कैक्टस, ये इनमें कांटे पाए जाते हैं, इस वजह से ये मुख्य रूप से सुरक्षित बने रहते। कैलोट्रोपिस प्लांट है, यह एक डेंजरस केमिकल बनाता है, क्या डेंजरस केमिकल बनाता है? इसका डेंजरस केमिकल का मीनिंग क्या नाम है? कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइड ये केमिकल का नाम है। जब इसको मुख्य रूप से कोई खाने जाता है, जब इस प्लांट्स को कोई खाने जाता है तो वह मर जाता है, इस वजह से उसको कोई खाता नहीं है। कैलोट्रोपिस डेंजरस केमिकल का निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, तो जब इसको कोई खाएगा उसका नाम क्या है? कार्डिया ग्लाइकोसाइडेसाइड, तो इसको कोई खाता नहीं है, क्योंकि मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो इस वजह से ये सुरक्षित बना रहता है। इसके अलावा भी कई पॉइजनस मटेरियल हैं जो आपकी एनसीईआरटी दर्शा रही, ओपियम, लेकिन आज ड्रग्स के रूप में लोग ले रहे हैं, मर रहे हैं, मरते हैं, निकोटिन, ये भी प्लांट्स के द्वारा, फिर कैफीन, क्या कैफीन, और एक दिया क्विनाइन, ये भी मुख्य रूप से कैसे होते पॉइजनस, लेकिन उपयोग कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इस प्रकार से आपका ये प्रीडेटर आपको पढ़ाया गया, यानी कि आज का जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन था उसमें पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया गया और प्रीडेटर के बारे में बताया गया। अब जो अगला टॉपिक आएगा वह मैं एक एक को लेकर चलूंगा, यदि छोटा होगा तो दो ले लूंगा, बड़ा है तो अब कॉम्पिटिशन है,
फिर कॉमन सेलेज में है, ठीक है, तो ये ले लीजिए। ओके, यदि अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लाभ ले रहे हैं तोमर सर के द्वारा, तो निश्चित तौर पर इसको फैला दें जिससे अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभ मिले। ओके, बाय, सी यू, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।